हाय गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग, सॉरी यार ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग सब बढ़िया और मस्त होंगे। गाइस, आज है संडे, छुट्टी का दिन। अभी सुबह की 10:30 बजे है। आपके भाई सोचा था आज कुछ काम होगा नहीं, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो गाइस, घर पे आराम से आपके भाई बैठा था। एक्चुअली बैठा नहीं था यार, एक ब्लॉग था वो एडिट कर रहा था। ठीक है, कुछ ही देर बाद माँ ने बुलाया यार मेरे को, बेटा इधर आ जा, भाई आपका हाजिर। माँ ने ये वाला जो मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया, मेरी माँ का मोबाइल, और बोला भाई इसको सही करवा के लेके आ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, सो गाइस अभी के लिए फिलहाल मेरे पास यही काम है, इसको लेके जाना है मोबाइल की रिपेयरिंग वाले दुकान में और इसको सही करवा के लेके आना है। ठीक है, सो उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूंगा। ओके, चलिए फिर जाते हैं। अरे यार एक बात तो बताना भूल ही गया, बाहर जा रहे हो ना, मास्क साथ में लेके जाऊं? ठीक है, सिर्फ साथ में नहीं पहन के भी जाऊं। ओके, तो गाइस अभी जस्ट घर आया फोन को ठीक करवा के, ठीक है, दुकान से। और अभी टाइम कुछ 12:30 बज चुका है, यानी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। सो अभी नहाने का टाइम है। छोटा जो कीपैड वाला मोबाइल होता है ना, उसमें कभी आपने गलती से सिम को लॉक कर दिया है? अरे यार मेरे माँ के मोबाइल में वही हुआ था, नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसके वजह से मैं सोचा बहुत कुछ हो गया यार, अंदर में कुछ खराब हो गया। ठीक है, मेरे माम मेरे को दिया था सबसे पहले, भाई तू देख ले क्या हुआ है, सही कर सकता है या नहीं कर सकता है। बहुत ढूंढा लेकिन कुछ मिला नहीं, इसीलिए दुकान पे लेके जाना पड़ा। और दुकान पे लेके जाने के टाइम आपके भाई सोच ही रहा था भाई खराब तो हो गया है, क्योंकि छोटा कीपैड वाला मोबाइल है, अगर रिपेयरिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ऐसे सोच रहा था, लेकिन दुकान में लेके जाने के बाद भाई दुकानदार ने बोला सिम को किसी ने गलती से लॉक कर दिया है, जिसके वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा है, बाकी ऑल ओके। ठीक है, दुकानदार वाला आपके भाई की पहचान वाले है। ठीक है, पहचान वाले मतलब रिलेटिव नहीं है यार, बार बार उसके पास ही जाता हूँ, कुछ मोबाइल में खराबी होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसी के पास जाता हूँ, इसके वजह से उसके साथ एक जान पहचान हो गया, इसके वजह से भाई कम पैसा लिया, बहुत ज़्यादा लिया नहीं है पैसा। बात ये है आपके भाई पूरा 1-3 ये मोबाइल चला के देखा, क्यों नहीं नेटवर्क आ रहा है, लेकिन ढूंढ नहीं पाया। यही बात मेरे को साला सता रहा है बहुत, अगर मैं ठीक कर देता ना तो मेरी माँ के सामने मैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को, चौड़ा हो जाता छाती, सही कर दिया यार, लेकिन भाई कर नहीं पाया। बात होता है अपने अपने, ठीक है, इसीलिए तो वो लोग बैठा है दुकान खोल के। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर कुछ भी चीज़ अच्छा लगा इस ब्लॉग के अंदर से आपको तो लाइक कर सकते हो, अगर अच्छा ना लगे डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है तो साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। और भाई कोविड के चक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सो अपने साथ साथ थोड़ा फैमिली की भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।